पश्चिम नागपुर से निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र जिचकार पर आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। दरअसल शहर के महेंद्र नगर और मोतीबाग परिसर से 2700 से अधिक अनाज किट जब्त की गई है। इस किट में जिचकार के प्रचार पत्र बरामद किए गए हैं। इस संदर्भ में शिकायत के बाद पुलिस में मामला दर्ज किया गया है। नागपुर के मोतीबाग सेंट्रल रेलवे कॉलोनी में 220 राशन किट बरामद हुई है। वहीं महेंद्र नगर से 2500 से अधिक अनाज किट जब्त की गई, जिसकी कीमत 15 लाख रुपए बताई गई है। चुनाव आयोग की टीम ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दोनों जगहों से बरामद सभी राशन किटों में पश्चिम नागपुर के निर्दलीय उम्मीदवार नरेंद्र जिचकार के प्रचार पत्र पाए गए हैं। आयोग को सूचना मिली थी कि इस क्षेत्र में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए राशन किट जमा की जा रही है। तुरंत दस्ते ने जब छानबीन की, जिसके बाद यह किट बरामद हुई। चुनाव को देखते हुए जिचकार पर आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा है। इस संदर्भ में पुलिस में मामला भी दर्ज किया गया है। वहीं जिचकार ने आरोपों को बेबुनियाद बताया है। उन्होंने कहा कि अनाज किट मेरी नहीं है, बल्कि मुझे बदनाम करने के लिए किट में पत्र जानबूझकर डाले गए हैं।